ग्वालघर जिले में कॉलेज छात्राओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। सात दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक चला स्वच्छता अभियान। जो भी कम्युनिटी सर्विस होगा, क्योंकि आज हमारा खत्म नहीं हो रहा है, इट्स लाइक अ बिगिनिंग, ओके। तो ये हमको एश्योर करना है और अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से अपने मैम का दिल जीतना है, गांव वालों का जीतना है, ताकि हमेशा आपको एक रिकग्निशन मिलेगा कि ये वॉलंटियर्स बहुत ही अच्छे लोग हैं जो एक्चुअल में समाज सेवा करना जानते हैं। 200 छात्राओं ने की पूरे गांव की साफ सफाई। स्वच्छ हुआ पालघर जिले का उमरौली गांव। श्रमदान ऐसा दान है जिसमें शारीरिक मेहनत के साथ साथ मानसिक मेहनत भी लगती है, और जब इन दोनों का आपस में परस्पर तालमेल बनता है, वो भी निस्वार्थ भाव, तो वास्तव में उसे श्रमदान ही कहा जा सकता है। मुंबई से सटे पालघर जिले में उमरौली गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि 200 के आसपास कॉलेज छात्राओं ने मिलकर पूरे गांव की गलियों और रास्तों को साफ किया। ये सभी छात्राएं मुंबई के बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं। अपने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई कर रही कॉलेज छात्राओं के साथ कॉलेज की 3 अध्यापिका भी मौजूद रही, जो स्वच्छता अभियान को मूर्त रूप देने के लिए मुंबई से पालघर जिले में पहुंची थी। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हम लोग को हर तरीके से अलग अलग एक्टिविटी का पता चला कि काम में क्या, किस तरह का गांव में काम किया जाता है। हम स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छ अभियान का हम लोग ध्यान रखते हुए हमने सब जगह साफ सफाई की, और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। सब लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई टीचर्स, आर कॉलेज, आर मैनेजमेंट, वुमेंस यूनिवर्सिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज, सो सीताराम देवरा इंस्टीट्यूट ऑल्सो। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स टू मेक दिस कैंप सक्सेसफुल। हम हमारे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज के जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हमने ये एनएसएस कैंप किया। यहाँ हम हमारे प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स एंड बहुत सारे लोगों के सपोर्ट से यहाँ पर आए। हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी उनके मोटिवेशन से, उनके सपोर्ट से। हमने साफ सफाई, इवन अपने देश के विकास में साफ सफाई के जरिए अपना योगदान देने की कोशिश की है, और इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। महिला सशक्तिकरण, जैसे कि यहाँ की सरपंच भी एक महिला ही अपने इतना काम करती थी, हमें मोटिवेशन मिला और खुशी मिली कि हमें ये मौका मिला। इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर उमरौली ग्राम सरपंच रश्मि पाटिल भी मौजूद थी, जो कॉलेज छात्राओं द्वारा उठाए गए इस कदम से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। हमने यहाँ पे उनके तरफ से कैंप का आयोजन किया था, तो गांव में स्वच्छता अभियान चलाया, ना कि खाली स्वच्छता अभियान, और भी कई हमें उपक्रम किए उनके माध्यम से, और यहाँ की गांव की स्वच्छता, गांव का सब, गांव में कैसे सब रहते हैं लोग, ये इसके माध्यम से उन्हें भी पता चला कि गांव में कैसा, गांव का जीवन कैसा रहता है। लड़कियों ने वो भी अनुभव लिया कि आज हम जो कॉलेज में जाते हैं, लेकिन असली जीवन जो हम रोज तरह का जीवन जीते हैं वो कैसा है, वो हमने वो भी दिखाया। और ग्राफिक के माध्यम से हमारे सभी सदस्य और सब हमारे बीएम कॉलेज के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके सहयोग से हमने उपक्रम जो चालू किया है वो इसके बाद भी चालू ही रहेगा, ऐसा मैं उन्हें आश्वासन देती हूँ। उमरौली गांव में चलाया गया ये अभियान एनएसएस के माध्यम से सफल हुआ, जो 7 दिसंबर से शुरू हुआ और 13 दिसंबर तक चला। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी मौजूद रहे, जिसमें ग्राम सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सेवक भी मौजूद थे। हमेशा से ही हमारे यहाँ जो छात्राएं पढ़ती हैं, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए और उन्हें राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझाने के लिए कोशिश करता रहता है, समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो समझाने की कोशिश करता है,
साथ साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण की भी कोशिश करता है। तो हमने 7 से 13 दिसंबर को ये मुरोली ग्राम है, यहाँ पर अपना NSS कैंप आयोजित किया। यहाँ छात्राओं ने और शिक्षकों ने मिलकर गांव के जो सरपंच और रश्मि पाटिल मैडम हैं और सारे जो शिवसेना शाखा प्रमुख आदि के साथ मिलकर बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे एक हफ्ते में गांव की सफाई, अंधश्रद्धा निर्मूलन का प्रयास, योग शिविर, रोज़ ध्यान साधना के का मार्गदर्शन। मुंबई के BM रुइया कॉलेज प्रबंधन की भी पालघर जिले में जमकर सराहना की जा रही है, क्योंकि ऐसे कॉलेज को तो श्रेय जाना ही चाहिए जो अपने छात्रों को शिक्षा के साथ साथ ऐसे संस्कार भी दें जो समाज की बेहतरी के लिए मील का पत्थर साबित हो सके। बहरहाल स्वच्छता अभियान आज वक्त की जरूरत बन चुकी है, इसलिए समाज के हर वर्ग का ये कर्तव्य बनता है कि वे साफ सफाई के प्रति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। नागनाथ बाबर के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, पालघर।